नमस्कार, मैं हूं हरमीत शाह सिंह। दुनिया तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे अमेरिकन इलेक्शंस की। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्शन, जिसे कहा जाए सबसे पावरफुल देश जो है, सबसे दुनिया की बहुत बड़ी एक ताकत है, वहां इलेक्शन होने जा रही है और वो होने जा रही है नवंबर में। और अब जो मुकाबला है बिल्कुल साफ और स्पष्ट है, वो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है और दूसरी तरफ है जो बाइडन। हमारे साथ इस इलेक्शन पर बात करने के लिए जुड़े हैं त्रिदिवेश सिंह जी। मैं इनका आपसे आपसे तारुफ जरूर करवाना चाहूंगा। त्रिदिवेश सिंह जी मैंने एक एक पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट हैं और इनकी जो एजुकेशन है, जो इन्होंने खास करके इंटरनेशनल अफेयर्स में जो एजुकेशन ली, वो इन्होंने ली है स्कूल ऑफ इंटरनेशनल सर्विस, अमेरिकन यूनिवर्सिटी, वॉशिंगटन DC से। और आप जो हैं अब ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में विजिटिंग फैकल्टी हैं। मैनी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत मेरा जो धन्यवाद। आपसे पहला जो सवाल है वो ये है कि इस जो अब जो अमेरिकन इलेक्शन आ रहा है, अब जो नवंबर में आ रहा है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि ये जो इलेक्शन है, ये जो बाइडन जो डेमोक्रेट हैं वो दावेदार हैं इस प्रेसिडेंसी के, और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप हैं। ये दो जो हैं ये अब कैंडिडेट बिल्कुल ऑफकोर्स तय हैं। आपसे जो मेरा ये सवाल आता है वो ये आता है कि ये बताए हमारे दर्शकों को कि इस बार खास कर जो साउथ एशियंस हैं, उनका इस इलेक्शन में क्या रुझान रहेगा, नंबर एक, और उनका इस इलेक्शन से पहले कैसा रुझान रहा है, क्या कुछ उसमें कुछ खास तब्दीली है। हम बात पहले करेंगे पूरे साउथ एशिया की, पूरे दक्षिणी एशिया की, फिर हम बात करेंगे जो हमारे भारत के अलग अलग प्रांतों से जो लोग हैं उनका कैसा रुझान रहेगा। बताए मानी साहब जी। अच्छा देखिए जी, साउथ एशिया की जो कम्युनिटीज हैं ये बेसिकली दो लेवल्स पे है। सबसे पहली बात तो ये है, कुछ जो मुद्दे हैं वो सारों को इफेक्ट करते हैं। सो जैसे बात होगी, अगर इमिग्रेशन की बात होगी, H1B वीजा की बात हो गई, जो जो रेसिज्म भी है, ये सारे दक्षिण एशिया के कोई भी देश से भला कोई आया हो, वहां पे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, उन सारों को इम्पैक्ट करता है। बट कुछ पिछले कुछ सालों में जो एक तब्दील हुई है कि जनरली क्या समझा जाता है आमतौर पर, ये है कि जो साउथ एशियन सारे हैं एन ब्लॉक, डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करते हैं इन मुद्दों करके, इन पॉलिसीज के कारण। लेकिन पिछले 10-15 साल में जब अगर हम बात करते हैं जो इकोनॉमिक सिचुएशन है इंडियंस की, खास करके कुछ जो प्रोफेशनल्स हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, या उन्होंने जैसे उनका इकोनॉमिक ग्राफ बढ़ता गया, कई जो है इंटीग्रेट होने के लिए एक ट्रेंड दिखता है, इमिग्रेंट्स जो राइट रिंग ऑल्टरनेटिव उसकी तरफ झुकाव होता है। सो रिपब्लिकन्स को भी सपोर्ट मिलनी शुरू हुई है। उसका कारण एक तो ये है, दूसरा ये है कि खास करके इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें, जो राष्ट्रपति जो है अभी ट्रंप, जो उनका कैंपेन था पिछली बार, कई बातें जो उनके स्लोगन थे, जो नारे थे, उनका मेल काफी कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस वहां पे, उससे काफी कॉमन ग्राउंड था कई बातों पर। सो एक वो था। लेकिन अब आज की तारीख में फिर से एक तब्दील आई है। मैं कहूंगा कि खास करके एक तो जो ट्रंप ने स्टैंड लिया है ये H1B वीजा के ऊपर, इमिग्रेशन के ऊपर जो स्टैंड है, और जो ब्लैक लाइव्स मैटर का मुद्दा है उसके ऊपर उसके भी तब्दील आई है। इवन दो साउथ एशियंस को नहीं इफेक्ट करता, जो युवक है वहां पे, जो यंगस्टर्स हैं साउथ, खास इवन उसमें नेचुरली इंडियंस भी इंक्लूडेड हैं, जो जिवें जो जिन्होंने अमेरिकन ड्रीम की बात देखी है, जो नैरेटिव देखा है पहले, वो काफी वोकल हुए हैं इस बार। सो मेरे ख्याल से इसका जो ब्लैक इवन तो डायरेक्टली लिंक नहीं है, बट इवन जो लार्जर अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में जो मैटर करता है, ब्लैक लाइव्स मैटर जैसा, वो भी इस बार मैटर करेगा साउथ एशियंस के लिए। और इसमें ये देखना जरूरी है कि जब हम साउथ एशियन वोटर्स की बात करते हैं, उसका ब्रेक डाउन करना बहुत जरूरी है, सिर्फ इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में नहीं, लेकिन इवन जो एज के हिसाब से, फॉर इंस्टेंस जो काफी देर से है वहां पे, जो 1916 एक तो जो काफी देर से है वहां पर, दूसरी बात जो पिछले 20-25 साल में जो वहां पे गए हैं जिन्होंने माइग्रेट किया, और फिर फर्स्ट जनरेशन है कि सेकेंड जनरेशन है, इसका भी असर पड़ता है। खास करके क्योंकि मैं जैसे भी बात कि जो एक सर्वे हुआ था रिसेंटली, उसमें जो साउथ एशियन यूथ है उसके लिए रेसिज्म और ये जो एनवायरमेंट के जो जो मुद्दे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, जबकि
एल्डर जनरेशन, पुरानी जो जनरेशन है उनके लिए इतना नहीं मैटर करता। सो ये जब हम बात करते हैं, ये बात साबित हो जाती है कि साउथ एशियन वोट को एक मोनोलिथिक नहीं है सच। साउथ एशियन वोट जो है वो मोनोलिथिक नहीं, एक तरफा पड़ने वाला नहीं है, लेकिन कुछ एक ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ एक ऐसी बातें हुई हैं पिछले कुछ अरसे में जिसे एक कॉमन ग्राउंड जो है वो बना है। दूसरी बात मैं आप पूछना चाहूंगा कि इस कैंपेन में आप क्या देखते हैं? मैं देख रहा था कि काफी एड्स बहुत आ रहे हैं इस कैंपेन में, और क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है, पूरा की पूरी महामारी का माहौल है सारी दुनिया में, आप उस तरह से कैंपेन नहीं कर सकते कि बड़ी बड़ी एक मीटिंग्स, पब्लिक मीटिंग्स करें। वहां पर एक लिंकन प्रोजेक्ट चल रहा है जो मैं देख रहा हूं कि उसमें रिपब्लिकन्स भी जो हैं वो भी एड्स दे रहे हैं, उन्हीं का ही प्रोजेक्ट है कि ट्रंप के ट्रंप जो है वो उनके खिलाफ ही उनको टारगेट करते हुए। ये सब क्या चल रहा है कि रिपब्लिकन्स जो कि ट्रंप की पार्टी के हैं वही एड दे रहे हैं कि ट्रंप को वोट ना डालें, ये क्या कुछ बहुत बड़ा कुछ चेंज चल रहा है वहां? देखिए आइडियोलॉजिकली जो इवन जो ये सपोर्टर हैं इस प्रोजेक्ट के, आइडियोलॉजी आइडियोलॉजियों की नहीं बदली, उनकी बहस ज्यादा ये है कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति है वो उस बेसिकली वो स्टेबल होना चाहिए ज्यादा। अब जैसे हम पहले बात कर रहे थे, जो सलाहकार भी रह चुके हैं ट्रंप के, जॉन बोल्टन, उन्होंने किताब निकाली है, उसमें कई ऐसी बातें नहीं। अब जॉन बोल्टन को किसी लिहाज से जब अंग्रेजी में बात करते हैं डव किसी स्टैंड, बिल्कुल हॉकिश है वो विदेश नीति पे, बहुत राइट विंग है, कंजर्वेटिव है, लेकिन उनकी उनका जो मसला ट्रंप से है वो ये नहीं है कि किसी नीति के ऊपर नहीं है प्रॉब्लम एज सच, वो ये है कि किसी भी ट्रंप बेसिकली स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है, और एक दिन कुछ कहते हैं अगले दिन फिर कुछ और कहते हैं। और दूसरा, कई लोगों ने कुछ आशंकाएं जताई हैं अभी इनकी सेहत वगैरह ठीक नहीं है, मतलब उससे लिंक की है। हम समझते हैं कि ट्रंप जो है बड़ा मैवरिक टाइप कैरेक्टर है, लेकिन कई लोगों ने उनकी सेहत के ऊपर भी कुछ सवाल उठाए हैं। सो ये काफी बड़ा मुद्दा है मेरे ख्याल से इस इलेक्शन में। मैंने साहब ये बताइए कि मुद्दा है क्या? मैं हम देखता है तो हर इलेक्शन में कोई ना कोई, कभी इकोनॉमी का मुद्दा होता है, इस इलेक्शन में कोरोना वायरस भी आ गया, कोरोना वायरस अगर अभी आया, इकोनॉमी है, कोरोना वायरस है, रेसिज्म है, क्लाइमेट चेंज है, इमिग्रेशन है, या मुद्दा जो है वो ओवरऑल ये आ रहा है कि इस इलेक्शन में सबसे बड़ी जो बात उभर के आ रही है वो लीडरशिप की ही आ रही है कि लीडरशिप कैसी हो अमेरिका की। आप क्या समझते हैं इनमें से क्या चीज है? देखिए जी, लीडरशिप है, और वैसे मुद्दा है कि एक बात, ये बेशक डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन्स हो, वो ये बात समझ गए हैं कि जो अमेरिका है वो चीन को लाइटली नहीं ले सकता। सो वहां पर लीडरशिप की बात है कि भाई एक हमारे को स्टेबल लीडर चाहिए। सो जो रिपब्लिकन्स है वो कहते हैं कि ट्रंप ने कुछ बहुत कठोर कदम उठाए हैं, और ये चीन के खिलाफ और कोई जो राष्ट्रपति अमेरिका का पहले नहीं कर सका, इन्होंने ऐसे कदम उठाए हैं आर्थिक क्षेत्र में भी वैसे भी। पर दूसरी तरफ जो डेमोक्रेट्स हैं वो कहते हैं कि कई ऐसे देश हैं जिनसे हमारे अच्छे तल्लुकात थे और उन्होंने बिगाड़े, जो हमारे जिनको ट्रेडिशनली एलायंस कंसिडर करते हैं। सो ये मुद्दा है कि अगर मान लो डेमोक्रेट्स आते हैं, अगर जो बाइडन राष्ट्रपति बनते हैं अगले, तो एलायंस के साथ आपके तल्लुकात जो, आपके संबंध जो हैं अच्छे बनेंगे, बेशक वो यूनाइटेड किंगडम हो, यूरोपियन यूनियन हो, जापान हो, थोड़ी उसमें स्थिरता आएगी। ये नहीं कि बस पब्लिकली आप कहें कि एलायज हैं और पीछे से कभी टैरिफ्स के ऊपर आपकी डिफरेंस हो जाएगी या मतभेद किसी और चीज के ऊपर। सो वो एक मुद्दा बन सकता है। और हिलरी क्लिंटन और इवन जो बाइडन है वो किसी तरह से भी चीन पे नरम नहीं है, चीन पे वो भी बहुत कठोर लाइन लेंगे, लेकिन उनका उनकी जो बहस ये होगी कि जब तक हम अपने एलायंस के साथ अच्छे तल्लुकात संबंध नहीं बनाते तब तक चीन के साथ टक्कर लेना बड़ी मुश्किल है, जो कि ट्रंप जो है वो नहीं कर सके, मतलब अपने एलायंस के साथ अच्छे तल्लुकात। मैनी साहब, आप हमारे साथ जुड़े, दुनिया तक के दर्शकों के साथ आपने बातचीत की, बहुत आपका धन्यवाद। हम आपसे रابطہ बनाए रखेंगे और अपने दर्शकों को भी यही कहेंगे कि भी हमें फॉलो कीजिए, वहाँ पर एक यूट्यूब पर जो आप देखते हैं एक घंटी का एक आइकॉन होता है उसको प्रेस कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए। आपके साथ हम बने रहेंगे और इन इलेक्शंस को, खास करके अमेरिकन इलेक्शंस को, दुनिया का सबसे ताकतवर देश है उसके इलेक्शंस को हम क्लोजली मॉनिटर करेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे।